हेलो दोस्तों, मैं प्रगति। आप सभी का मेरे चैनल सरकारी सोर्स में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को एक वीडियो बनाया था और आप लोगों को बताया था कि मैं उत्तर प्रदेश टीचर इज लिबर्टी टेस्ट 2019 की एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ, तो ये मेरी सीरीज़ का फर्स्ट वीडियो है। और जैसा कि अगर आप लोगों को देखना है कि मेरा इंट्रोडक्टरी वीडियो कौन सा था जिसमें मैंने सारी डिटेल्स दी हुई हैं, तो आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करेंगे आज यूपी टेट पेपर फर्स्ट का ईवीएस सेक्शन का पार्ट वन। जी हाँ दोस्तों, और हम इसमें डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जैसा कि मैंने आपको अपने इंट्रोडक्टरी वीडियो में बताया था, तो आप लोग उसे चेकआउट जरूर करें। तो लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रेंड्स। हाँ तो दोस्तों, हमारी ईवीएस सेक्शन सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है फ्रेंड्स। आप देख रहे होंगे यूपी टेट ईवीएस प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन, और ईवीएस का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन है फर्स्ट दोस्तों, एग मार्क का संबंध है। जी हाँ दोस्तों, एग मार्क का संबंध किससे होता है? तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर सोचे कि क्या हो सकता है इसका सही ऑप्शन। तो दोस्तों, ऑप्शन ए है गुणवत्ता से, ऑप्शन बी है पैकेजिंग से, ऑप्शन सी है संसाधन से, ऑप्शन डी है उत्पादन से। तो दोस्तों, इसका जो आंसर है वो है ए। जी हाँ दोस्तों, जो एगमार्क है वो एक प्रमार्जन होता है, और जिसे जिसका जो संबंध होता है वो गुणवत्ता से होता है। जी हाँ दोस्तों, और ये भारत में कृषि खाद्य पदार्थों पर लगाया जाता है, जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं उनकी क्वालिटी के लिए, तो क्वालिटी वेरीफाई करने के लिए एगमार्क लगाया जाता है कि उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है। तो ये एक टाइप का प्रमार्जन होता है, किसके लिए होता है? क्वालिटी के लिए होता है, और जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं उन पर ये लगाया जाता है। अब देखते हैं दोस्तों, इसका ऑप्शन हो गया, इसका आंसर हो गया ए। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है? जी हाँ दोस्तों, ये है, ये पॉलिटी का क्वेश्चन हो गया, क्योंकि ईवीएस में काफ़ी सारे सेक्शंस आते हैं हमारे यूपी टेट के अंदर। तो इसमें बात कर रहे हैं कि किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है। ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन सी यूएसए, ऑप्शन डी यूएसएसआर। तो आप लोग बताइए, अगर आप लोग को इस क्वेश्चन का आंसर पता हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अगर आपको इसका आंसर पता हो। और आप लोग कंटिन्यूसली कमेंट करते रहें, जो भी मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ मैं थोड़े टाइम का पॉज लेती हूँ, जिस ताकि आप लोग को इसका आंसर पता हो। तो आप इसका आंसर दें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। तो आप लोग ने पता कर लिया होगा इसका आंसर, तो मैं आपको बताना चाहूंगी दोस्तों, इसका जो आंसर है वो है डी। जी हाँ दोस्तों, भारतीय संविधान के जो मौलिक कर्तव्य है, यूएसएसआर मतलब सोवियत संघ से, जिसका नाम अब बदलकर पहले वो सोवियत, अब सोवियत संघ हो गया है, से लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, और मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे देश का जो संविधान है उसके काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, वो अलग अलग कंट्री के जो संविधान है उनसे लिए गए हैं। तो जो मौलिक कर्तव्य है वो सोवियत संघ मतलब यूएसएसआर से लिया गया है, और ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारत के संविधान में जोड़ा गया था। दोस्तों, मेरा ये जो सीरीज़ है इसमें आपको काफ़ी फ़ायदा इस चीज़ का ये होने वाला है कि एक क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन्स होंगी मैं वो भी आपको अपने इस चैनल के माध्यम से दूंगी, ताकि आपको इससे रिलेटेड अगर आसपास का कोई और क्वेश्चन आ सके तो आपको ईजिली रहे वो सॉल्व करने में। तो सबसे पहले बात करेंगे, तो जैसे मैंने आपको बताया था, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, और ये भाग फोर्थ ए में है जो मौलिक कर्तव्य, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा काफ़ी बार ऐसा पूछा भी गया है जो मौलिक कर्तव्य हैं वो किस भाग में आते हैं। तो मैं आपको बता दूंगी, जो मौलिक कर्तव्य होते हैं वो 4A भाग में आते हैं, अनुच्छेद 51A के संबंध मौलिक कर्तव्यों से होता है। तो दोस्तों, ये आपको क्लियर हो गया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थर्ड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक वयस्क मानव के में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों, ये बात कर रहे हैं कि एक वयस्क जो एक एडल्ट होता है उसमें कितनी संख्या, कितनी हड्डियों की संख्या होती है। तो दोस्तों, आप लोग को इस क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दें, और फिर सोचिए क्या हो सकता है इसका आंसर। ऑप्शन ए है 305, ऑप्शन बी है 275, ऑप्शन सी है 206, ऑप्शन डी है 175। तो दोस्तों, इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो है
सी। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर है जी सी, क्योंकि जो एक वयस्क इंसान होता है उसके शरीर में 206 हड्डियां होती हैं, लेकिन जब एक बच्चा जन्म लेता है, मतलब जो वो जन्म के समय उस बच्चे के शरीर में 270 हड्डियां हो मिल 270 हड्डियां होती हैं, और ये जब एडल्ट होता जाता है बच्चा धीरे धीरे, तो कुछ हड्डियां आपस में जुड़ने की वजह से जो हड्डियों की संख्या है दोस्तों वो स्थायी रूप से कम हो जाती है, मतलब 206 हड्डियां उसके शरीर में रह जाती हैं। तो इसका ऑप्शन रहा सी। अब बात करते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। जो आर्सेनिक एक टाइप का केमिकल होता है आपको पता है, उसके द्वारा जो वाटर पॉल्यूशन होता है वो सबसे ज्यादा किस देश में देखने को, मतलब सॉरी किस स्टेट में देखने को मिलता है। यहाँ पे आपके सामने ऑप्शंस हैं, उत्तर प्रदेश में, बी मध्य प्रदेश में, सी बिहार में, डी पश्चिम बंगाल में। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, अगर आप लोगों को पता हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा डी। जी हाँ दोस्तों, इनमें से सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो है डी, क्योंकि मैं आपको थोड़ी सी इसकी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन इस साल भी आ सकता है, क्योंकि पॉल्यूशन से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन हमारे ईवीएस में पूछे जाते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आर्सेनिक जो होता है वो एक गंधहीन और स्वाद रहित उपधातु होता है। उपधातु मतलब आपको पता है एक धातु होता है, उपधातु होता है जो पृथ्वी की सतह पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, और जब जो वाटर्स हो रहे हैं ना, जो वाटर्स होते हैं उसमें आर्सेनिक की मात्रा बढ़ जाए उससे काफ़ी सारी बीमारियां, क्योंकि जो वाटर है उसमें पशु भी नहाते हैं, यूज़ भी होता है वाटर, तो जब उनमें उसमें जब आर्सेनिक की मात्रा बढ़ जाती है तो कई सारी बीमारियां लगने लगे, जैसे कि कैरेटोइस हो जाता है, त्वचा का कैंसर हो जाता है, फेफड़े और जो जो मूत्राशय होता है उससे संबंधित काफ़ी सारे कैंसर्स देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा मात्रा बढ़ जाएगी तो उससे काफ़ी ये दिक्कतें शरीर में होती हैं, ये सब बीमारियां बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जो भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी है ना, उन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा सांद्रता में आर्सेनिक पाया जा रहा है, तो जिसकी वजह से सर्वाधिक जो जल का प्रदूषण होता है वो पश्चिम बंगाल में होता है, तथा उसके बाद जो सेकंड नंबर पे आ रहा है दोस्तों वो बिहार आ रहा है, और थर्ड नंबर पे उत्तर प्रदेश, और फोर्थ नंबर पे झारखंड। तो सबसे ज़्यादा जो है वो पश्चिम बंगाल में। इस सीक्वेंस को आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपको ये क्वेश्चन दे दिया जाए और आपको बोला जाए कि इन्हें भरते हो, मतलब सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन से लेके सबसे कम पॉल्यूशन तक वाले सिक्वेंस में लगाइए। तो मैं आपको बता दूँ, सबसे ज़्यादा पाया जाता है पश्चिम बंगाल में, सेकेंड पाया जाता है बिहार में, थर्ड पाया जाता है उत्तर प्रदेश में, और फिर झारखंड आता है। तो आप लोग इसको अच्छे से लर्न करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए। तो इसका ऑप्शन हो गया डी फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा ध्रुव तारा। ध्रुव तारा कहा जाता है किसे, उत्तरी तारे को, बी दक्षिणी तारे को, सी पूर्वी तारे को, और डी पश्चिमी तारे को। तो आप लोग बताइएगा, अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर पता हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा। तो दोस्तों मैं बताऊं, अब इसका आंसर जो होगा दोस्तों वो है इसका आंसर ए। जी हाँ दोस्तों, ध्रुव तारे को नॉर्थ स्टार भी कहा जाता है, और साथ ही साथ दोस्तों उसे पोल स्टार भी कहा जाता है। और आपका ये जो क्वेश्चन आ सकता है वो इस तरीके से आ सकता है कि ध्रुव तारा क्या है। तो ध्रुव तारे को आपको पोल स्टार भी पूछ सकते हैं कि पोल स्टार क्या है, तो आपको बताना होगा, ऑप्शन दे रखा होगा ध्रुव तारा। और ऐसे भी पूछ सकते हैं कि नॉर्थ स्टार क्या है, तो ध्रुव तारा। तो आपको ये तीनों नाम पता होना चाहिए कि जो ध्रुव तारा है उसको पोल स्टार भी कहते हैं और उसको नॉर्थ स्टार भी कहा जाता है, और ये हमेशा रात में उत्तर दिशा की ओर स्थित होता है, मतलब इसकी जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा नॉर्थ साइड में होती है रात के टाइम पे। तो ये था इसका आंसर था ए। अब चलिए नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है, ऑप्शन ए न्यूयॉर्क में, दो ऑप्शन बी सिडनी में, ऑप्शन सी एमस्टर्डम में, ऑप्शन डी नागासाकी में। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर सोचिए क्या हो सकता है।
तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन है, इसका जो आंसर है फ्रेंड्स, वो है सी। जी हाँ दोस्तों, अब आपको पता नहीं होगा कि ये ग्रीन पीस इंटरनेशनल क्या है, तो मैं आपको बताऊं दोस्तों, ये जो ग्रीन पीस इंटरनेशनल है ना, पहले तो उसका जो मुख्यालय है वो एम्स्टर्डम में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, और मैं आपको एक काफ़ी अच्छी वो देने वाली हूँ कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल पर्यावरण चेतना या जागरूकता से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, जो एनवायरनमेंट है उसकी जागरूकता से रिलेटेड है ये ग्रीन पीस इंटरनेशनल, और इसका जो मुख्यालय है वो नीदरलैंड मतलब एम्स्टर्डम में है, और नीदरलैंड काफ़ी साफ सुथरी जगहों में से एक में आता है और बहुत खूबसूरत है वो और देखने में। तो वहाँ पर इसका जो मेन मुख्यालय है वो बनाया गया है, और सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन फ्री जो देश में कंट्री है वो है नीदरलैंड मतलब एम्स्टर्डम। नीदरलैंड में एक एम्स्टर्डम जगह है, वहाँ पे इसका मुख्यालय है। और ये जो आंदोलन है दोस्तों, ये वर्ल्ड वाइड है, मतलब वर्ल्ड वाइड विश्वव्यापी आंदोलन है ग्रीन पीस इंटरनेशनल, आप लोग को ये पता होना चाहिए। और ये एक नॉन प्रॉफिट मतलब गैर सरकारी, सॉरी, ये गैर सरकारी संगठन होता है, और इसकी स्थापना 1971 में की गई थी। और आपसे इसको क्वेश्चन को घुमाकर इस तरीके से पूछ सकते हैं फ्रेंड्स कि जो ग्रीन पीस इंटरनेशनल है उसकी स्थापना किस सन में की गई थी, तो 1971 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका जो मुख्यालय है वो नीदरलैंड में है, या आपको नीदरलैंड दे देगा या आपको एम्स्टर्डम दे देगा, तो आपको ये दोनों पता होना चाहिए कि नीदरलैंड के जो एम्स्टर्डम है वहाँ पर ये मुख्यालय स्थित है। तो इसका ऑप्शन आपको मैंने बता ही दिया था, सॉरी, इसका आंसर सी था। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था, और आप लोगों को इसका आंसर डेफिनेटली पता होगा क्योंकि ईवीएस सेक्शन का है और आप लोग यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं और इम्पोर्टेंट है काफ़ी। तो ऑप्शन ए वर्ष 1960 में, वर्ष 1962 में, वर्ष 1972 में, वर्ष 1975 में। और अगर आप लोगों को पता है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप दें कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था, और ये क्या होता है, ये कब पारित किया गया, क्या है इसके, क्या क्या कदम, क्या क्या स्टेप इसमें रखे गए थे, वो सब मैं अभी आपको क्लियर करूंगी। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन है दोस्तों वो है ऑप्शन सी, 1972। 1972 में वन्य जीव अधिनियम बनाया गया था, पारित किया गया था। ये अधिनियम क्या था, जितने भी वन्य जीव होते हैं, जितने भी जानवर होते हैं, जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, उनका जो अवैध रूप से शिकार को रोकने के लिए, मतलब उनको हंटिंग करते थे, उनको मार देते थे, खा लेते थे, तो जो अवैध रूप से मतलब अवैध रूप से इलीगल रूप से जो उनका शिकार करने को रोकने के लिए ये अधिनियम बनाया गया था। और पौधों के संरक्षण के लिए भी, मतलब जो वन्य जीव है और जो पौधों उन दोनों के संरक्षण के लिए बनाया गया था अधिनियम, और इस अधिनियम को 1972 में पारित किया गया था। ये अधिनियम जो है वो जम्मू कश्मीर को छोड़कर भारत के सभी राज्यों में लागू है। जम्मू कश्मीर का अपना अलग से ही वन्य जीव अधिनियम है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकते हैं कि जो वन्य जीव, क्योंकि कई तो काफी पुराना हो चुका है कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया, इसमें इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि जो ऐसा कौन सा, भारत में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे वन्य जीव अधिनियम 1972 वाला जो पारित किया गया था तो वो लागू नहीं होता है, तो वो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता है। तो आप लोगों को इसका इस तरीके से डिटेल्स पता होनी चाहिए। तो 1972 आपको याद हो गया होगा। नाउ वी आर मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था, ये जो प्रोजेक्ट टाइगर है ये किया गया था, क्यों किया गया था तैयार। तो अगर आप लोग, पहले तो आप ये बताइए कि कब प्रारंभ हुआ था, तो 1972 में, बी 1973 में, सी 1981 में, और डी 1985 में। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए अगर आप लोगों को इसका आंसर पता हो तो। और ये प्रोजेक्ट टाइगर जो है ना फ्रेंड्स, वो किस लिए बनाया गया था, तो ये सब भी मैं आपको भी बताने वाली हूँ। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन है वो है, मतलब इसका जो राइट आंसर है वो है बी, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। बट ये क्यों किया गया था, तो मैं आपको बताऊं कि जो बाघ थे उनकी घटती हुई संख्या को देखते हुए उनके कंजर्वेशन के लिए मतलब उनके संरक्षण के लिए भारत सरकार ने 9 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर एक अभियान शुरू किया, जिसके अंतर्गत
जो भी जितने भी टाइगर्स थे जो बचे हुए हैं, जो उनकी संख्या घट रही है, उनको कंजर्व किया जाता है ताकि उनको सुरक्षित करके रखा जा सके लॉन्ग टाइम के लिए। दूसरी बात जो थी वो उसमें ये थी कि केवल 9 बाघ अभयारण्य सम्मिलित किए गए थे इस प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर, लेकिन वर्तमान में अब इसकी संख्या बढ़कर 32 हो गई है। जी हाँ दोस्तों, जब ये पारित किया गया था तब इसमें केवल 9 बाघ अभयारण्य सम्मिलित थे। जब ये प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया था बाघों की घटती हुई संख्या को बचाने के लिए, मतलब उनकी देखते उनके कंजर्वेशन के लिए, और अब जो प्रेजेंट में जो टोटल जो बाघ मतलब प्रोजेक्ट टाइगर मतलब बाघ के जो अभयारण्य है वो 32 हो चुके हैं। तो ये क्वेश्चन काफी ये पूछ लेते हैं इस तरीके से कि जब ये प्रोजेक्ट टाइगर पारित किया गया था 1973 में, तब अभयारण्यों की संख्या कितनी थी? 9, और अब बढ़कर कितनी हो चुकी है? तो 32। आप लोगों को ये पता होना चाहिए। देखिए दोस्तों, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको कहीं भी मिल जाएंगे, आपको बुक्स में मिल जाएंगे आराम से, लेकिन उसको पढ़ने में, उसको एक्सप्लेनेशन से, जो जिस तरीके से मैं आपको कराऊंगी, आपके लिए वो बेस्ट तरीका होने वाला है, क्योंकि आपको उससे रिलेटेड, एक क्वेश्चन से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें मिलने वाली हैं जो आप एक क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करके नहीं ले सकते हैं। तो इसलिए आपके लिए ये सीरीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, और टाइम टू टाइम मैं इसमें काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट भी करने वाली हूँ। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप इसे प्लीज़ अच्छे से देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। एज अ रिविज़न भी अगर आप इसको रेगुलर मेरे वीडियोज़ को वॉच करेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प होने वाली है। आपको खुद नहीं पता चलेगा कि आपका कितना तैयार हो चुका है अगर आप रेगुलरली सीरीज अटेंड करते हैं। तो मेरा तो यही है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल सके मेरे सीरीज़ के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसका आंसर भी हो गया था। अब नाउ क्वेश्चन नंबर 9, प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान डैश का ऑक्सीकरण एवं डैश का अपचयन होता है। तो दोस्तों बताइए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, अच्छे लेवल का क्वेश्चन इन लोगों ने पूछा है कि जो फोटोसिंथेसिस होती है, फोटोसिंथेसिस में जो प्रकाशीय चरण होता है, जो फोटो जो PS1 जो होता है चरण, उसके दौरान किसका किसका ऑक्सीकरण होता है और किसका अपचयन होता है, मतलब किसका ऑक्सीडेशन होता है और किसका रिडक्शन होता है, ये आपको बताना है। तो अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके प्लीज आंसर दीजिएगा। तो अब तो आपको पता, चलिए मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ फ्रेंड्स। तो इसका जो आंसर है वो है ए। जी हाँ दोस्तों, जो प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शंस होती है उसके अंदर जो होता है, जो वाटर होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है, और जो NADPH होता है उसका अपचयन होता है। तो आप देख सकते हैं इसमें ऑप्शन ए सही है, वाटर का ऑक्सीडेशन हो रहा है और रिडक्शन हो रहा है NADP का। ठीक है दोस्तों, अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका आंसर ए हो गया। अब है हमारा लास्ट क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आई होप आप लोगों को ये सभी को पता ही होगा कि दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, क्योंकि ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, दूध से दही जमना क्या होता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, प्रकाश संश्लेषण, आश्वन, किण्वन, स्टेरिलाइजेशन। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि प्रकाश संश्लेषण तो फोटोसिंथेसिस होती है जिससे पौधे अपना खाना बनाते हैं। आश्वन जो होती है वो अशुद्धियों को दूर करने के लिए उसका यूज़ किया जाता है, और स्टेरिलाइजेशन जो होता है, स्टेरिलाइजेशन से मतलब कि बैक्टीरिया फ्री पदार्थ या एनवायरमेंट को बनाना, उसको कहते हैं स्टेरिलाइजेशन। तो ऑब्वियसली इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, किण्वन। तो ये हमारी फर्स्ट सीरीज का आंसर सी आप देख सकते हैं। तो ये हमारा था फर्स्ट लास्ट क्वेश्चन, और साथ ही साथ अभी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आऊँगी और 10 क्वेश्चन की सीरीज जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो मेरे साथ बनी रही है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।